में आके खुद भी बहुत प्रेरित हो रहा हूँ और बार बार मेरा जिक्र जिस रूप में यह किया जा रहा है, पर मुझे तो लगता है कि इतने सारे लोग मिलके इतनी ताकत से काम कर रहे हैं, तो मुझे वो कुछ एक भजन की कुछ कुछ लाइनें मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है कोई और मेरा नाम हो रहा है। आप सबको, सब पूरे आर्यसेन परिवार को आज इस एनिवर्सरी के मौके पे बहुत बहुत तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परमात्मा ने मुझे जो एक सपना दे दिया, उस सपने को पूरा करने में आप लोगों का जिस कदर सहयोग मिल रहा है, वाकई में मेरे को परमात्मा पे जो विश्वास तो था ही, लेकिन अभी और दोगुना चार गुना और यकीन जबरदस्त गहरा होता जा रहा है। ये अपने आप में ही इतनी बड़ी बात है कि इतने विकट समय में जब कोई भी कंपनी वो बंद होने के बाद वापस नहीं चल पाई, लेकिन आरसीएम एक ऐसी संस्था, एक ऐसा अभियान जिसमें आप लोगों ने वो ताकत दिखाई और सबको मजबूर कर दिया कि आरसीएम तो वापस चल कर रहेगा। ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला कर नहीं रख सकती। आज मैं यहाँ बहुत गदगद महसूस कर रहा था, यहाँ मैंने देखा बहुत सारे टीनेजर्स, मतलब वो सारा जो सीन, वो जो मंजर आपने ऐसा बना दिया कि मैं तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बहुत धन्यवाद सभी को, सारे टीनेजर्स को, विशेष तौर से डायमंड क्लब की जहाँ मैं बात करता हूँ, तो मैंने देखा था अभी कि आधे से ज़्यादा लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। मेरी आपने मतलब दिल को छू लिया आप लोगों ने, क्योंकि डायमंड क्लब मेरी आत्मा की आवाज़ है। मुझे इतना प्यारा है डायमंड क्लब, और वो इसलिए है कि पता चलता है कि यार ये लोग वाकई में कोई सिपाही है या ऐसे ही लग गए साथ में। तो आप बहुत मजबूत हो, स्टार डायमंड क्लब की आपने मांग की, और मैंने जब ये चेक किया आंकड़ा तो करीब 250-300 लोग जो स्टार डायमंड क्लब, जिसमें 25,000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह करना पड़ता है, उसमें 250-300 लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लीडर मुझे फिगर दे रहे हैं कि मेरा इस एक साल में 100 स्टार डायमंड क्लब का टारगेट है, किसी ने 250 स्टार डायमंड क्लब का टारगेट दिया, किसी ने 500 तक का अपने नीचे। क्या बोलूं मैं, आप लोगों के शब्द नहीं है। मैंने बहुत तहे दिल से मैं इस एनिवर्सरी के मौके पर आपको धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। और यहां पर जो हमारे जो वेंडर्स के रूप में हरित संजीवनी से सिरोड़ साहब आए हुए हैं, जो आरसीएम से इतना प्यार करते हैं, मेरे ख्याल से वो अब आरसीएम ही हो गए हो, और उन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट हमें दिया है। सिरोड़ सर, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और हेल्थ गार्ड ऑयल, अगर मैं इसको यूं कहूं कि हेल्थ गार्ड नहीं होता तो कभी कभी संशय होता है कि क्या आरसीएम भी होता। इतना जोरदार चीज आपने हेल्थ गार्ड के रूप में दिया है, सब बढ़िया कर दिया। और आपने क्या दिया और मैंने क्या दिया, मेरे को लगता है तो परमात्मा दे रहा है। वाकई में आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैंने क्या किया ऐसा। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, न्यूट्री चार्ज मिल रहा है, हेल्थ गार्ड मिल रहा है, सब परमात्मा व्यवस्थाएं करता जा रहा है। मैं तो बस आप लोगों के साथ चलता हूं, कुछ भी तो नहीं करता हूं, और फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। वाकई में हमें सबको मिलकर मैं चाहता हूँ उस ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरी मेहरबानी कायम है। मैं क्योंकि आगे भी एक प्रोग्राम और होने वाला है, थोड़ा समय का भी बंधन है, तो मैं अपने बात को थोड़ा सा चार लाइनों के माध्यम से करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी
कुछ इसमें कवर हो सके, है ना। वृक्ष कितना बड़ा होगा, वृक्ष कितना बड़ा होगा उसकी जड़ों से पूछना होगा। वृक्ष कितना बड़ा होगा उसकी जड़ों से पूछना होगा, और महल कितना ऊंचा होगा वो उसकी नींव से पूछना होगा। वृक्ष कितना बड़ा होगा उसकी जड़ों से पूछना होगा, महल कितना ऊंचा होगा उसकी नींव से पूछना होगा। और जड़ों में जान ना हो तो शाखाओं को हवा ले जाती है, और नींव मजबूत ना हो तो ऊंची मीनारें भी ढह जाती है। मैं इस पंक्तियों के द्वारा सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मैंने आरसीएम का जो सेकंड राउंड जो हम बोलते हैं, दूसरा दौर जो हम बोलते हैं, ये शुरू होने के बाद मेरा फोकस एकमात्र ध्यान है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि आरसीएम की नींव इतनी गहरी इतनी मजबूत इतनी सशक्त ऐसी होनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान के 125 करोड़ जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जुड़कर भी इसको करना चाहे तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल सके। कोई लार लपेट, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज कि जो भी, चाहे वो प्रोडक्ट की संख्या हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट का रेट हो, चाहे वो मार्केटिंग का प्लान हो, चाहे हम टाइम टू टाइम देने वाले प्रमोशन हो, चाहे हमारे एजुकेशन के तरीके हो, पूरा एक ही बात का मैंने ध्यान रखा है कि कोई आरसीएम करे ना करे, लेकिन आरसीएम के साथ जुड़कर कोई आदमी यह नहीं कहना चाहिए कि मेरा आरसीएम की वजह से 2 पैसे का नुकसान हो गया। और सारे प्रोडक्ट के चयन में और प्लान के बनाने में एक ही चीज का ध्यान रखा कि आप लोगों को कभी फील्ड में यह न सुनना पड़ जाए कि मेरे को आपने ये क्या प्रोडक्ट दे, मेरे से आपने पैसे ज्यादा ले लिए, हल्का प्रोडक्ट दे दिया, ये किसी हालत में सुनना नहीं है। और मैंने बार बार पहले भी जब भी आपसे मिला मैंने एक ही बात कही कि आरसीएम में मेरा पूरा ध्यान है, पूरी टीम को बार बार यही कह रहा हूं कि आरसीएम के जो सारे प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए और कीमतें ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी अफोर्ड कर सके, एक रिक्शा वाला भी खरीद सके तो एक प्राइम मिनिस्टर भी खरीद सके। और आप शायद उस बात में कितने गहरे गए मैं नहीं जानता, पर आप देखेंगे जिन प्रोडक्ट्स को आरसीएम लाता है और पूरे हिंदुस्तान में फैला देता है, जब कोई नहीं होता है तब भी आरसीएम वो ऐसी रेट रखता है कि बाद में आने वाली कंपनियां कितनी भी ताकत लगा ले उससे कम रेट में बेच नहीं पाती। कंपनियां क्या करती, जब कोई नहीं होता तो मन मर्जी की रेट रख लेती है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। तो मैं सिर्फ आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं, जो अरविंद जी ने भी एक कहा था, पता नहीं एक शब्द बोला था कि क्या बोला था आपने, बहुत सारी कंपनियां जो कुछ आती रहती है करती रहती है, जो भी बोला था खुद करती रहती है। मैं आप लोगों को एक ही यकीन दिलाना चाहता हूं, कितना चलाना है वो आप जानो, कितना करना है वो आप जानो, पर आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, ये जो स्थान है, ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आप बेखौफ होके बहुत विश्वास के साथ जितना मर्जी आए जितना खेल सकते हो, जितना मर्जी आए। तो यही एक फोकस था, और थोड़ी और पंक्तियां सुना देता हूं। आज सुबह में जल्दी आ गया था तो मैंने कहा यार कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं। जिन चिरागों में रोशनी ना हो उनको कौन पूछता है, जिन चिरागों में रोशनी ना हो उनको कौन पूछता है, और जिन दरख्तों की छांव ना हो
उनको कौन पूछता है? जिंदगी वह है जिसमें जीत का जज्बा हो, हार जाने वालों को इस दुनिया में कौन पूछता है? देखिए, बारिश हो और जमीन गीली न हो तो ऐसी बारिश का क्या फायदा? बसंत आ जाए और सरसों पीली नहीं हो तो ऐसा बसंत का क्या फायदा? और एनिवर्सरी प्रोग्राम हो और उसमें बैठने वाले हर साथी के दिल में आग न लगे तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फायदा? ये जीत का जज्बा पैदा करना है। ये एनिवर्सरी प्रोग्राम किए इसीलिए जाते हैं और इन प्रोग्रामों से ही ये पीने निकलती है, इन प्रोग्रामों से डायमंड बनते हैं। और आप सबको यहाँ से आज ऐसी आग अपने भीतर पैदा होने देनी है, रोकना नहीं अपने आप को। ये आग ही आपको आगे ले जाएगी। और रवि शर्मा जैसे बोला कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का आप इंतजाम कर सकते हैं, इतना मजबूत इंतजाम कर सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ती है। आरसीएम है भविष्य दृष्टाओं का बिजनेस, जो भविष्य को देखना चाहते हैं कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसका भविष्य मेरे क्या होगा। ये भविष्य का काम है आरसीएम, ये वर्तमान का काम नहीं है। आज आप अपनी जिंदगी को ऐसा बना सकते हैं जैसा शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। भैया इसको बंद करो यार। लाख दीवारें बना लो, लाख दीवारें बना लो, आंधियां रुकती नहीं। रुकती है क्या आंधियां? नो, दुनिया की कोई रोक पाया आज तक आंधियों को? नहीं। लाख दीवारें बना लो, आंधियां रुकती नहीं। वीर की रुतबाई कायर के आगे झुकती नहीं। और आरसीएम की आग जब किसी वीर के सीने में लग जाती है तो वो चक्रवाती तूफानों के आगे भी बुझती नहीं। दोस्तों, ये जो काम है ना, ये जोश और होश का काम है, ये मुरझाए हुए चेहरों का काम नहीं है, ये खिलखिलाते चेहरों का काम है। ये बहुत बड़ा अवसर आपके सामने है, बहुत सुनहरा भविष्य आप बना सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत किए बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बिना मेहनत कुछ नहीं हो सकता है, पर मेहनत ऐसी जगह करनी चाहिए जो मेहनत हमारा भविष्य संवारे, नहीं कि हमारी प्रतिष्ठा खराब करे। मैंने देखा लोग पता नहीं किन किन उलझनों में पड़ जाते हैं, किन किन झांसेबाजी में आ जाते हैं और बाद में वो बदनामी लेके और जीवन भर घूमते रहते हैं। लोग पीछे दौड़ रहे, वो आगे भाग रहे, लोग पीछे दौड़ रहे, वो आगे भाग रहे। अरे जियो तो इज्जत से जियो, काम करो तो इज्जत का करो, काम करो तो प्रेम का करो, काम करो तो ऐसा करो जिससे परमात्मा भी आपको पसंद करे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि बहुत बोलने से तो कुछ भी नहीं होता है, बहुत करने से बहुत कुछ होता है। बोलो कम, करो ज्यादा, सुनो कम, समझो, और समझो कम, अपनाओ ज्यादा, और बोलकर मत समझाओ दुनिया को, करके समझाइए। करने से जल्दी समझते लोग। तो मेरी कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों से, वैसे तो आप उम्मीदों से आगे बढ़ रहे हैं, पर मैं कुछ और उम्मीदें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आरसीएम में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी चाहता हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान चाहता, आप लोग भी चाहते हैं, चाहते ही नहीं चाहते। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, तैयार है? yes. एश्योरेंस दे सकते हैं? yes. सब लोग अपने परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों से चाहता हूं एक डायमंड क्लब का बहुत बड़ा जो उसको बोलते हैं ना, सैलाब, यस, बहुत बड़ा सैलाब डायमंड क्लब का देखना चाहता हूं। मैं अभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि डायमंड क्लब का विजन आपको पूरा बताऊं, पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं और मेरी बात पे आप यकीन कर सकते हो, इस डायमंड क्लब की वजह से
जो चीजें आप देखना चाहते हैं और जो सोचना चाहते हैं ना, उससे भी कम समय में वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है। और ये डायमंड क्लब आज क्या लगता है वो एक बात है, लेकिन आने वाला भविष्य जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जो कैलकुलेशन समझ में आ रही है, इस डायमंड क्लब की वजह से हम जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं वो सारी चीजें पूरी हो सकती है। और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, बहुत बड़ी, सुनना चाहते हैं? बाकायदा ऑफिशियल आंकड़े आपको मैं देता हूं, जून 2016 से लेकर और जनवरी 2017 तक, चाहे वो टारगेट मंथ बीच में आया हो, चाहे कोई सा मंथ आया हो, हर महीने बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, हर महीने। नवंबर में जब नोटबंदी हुई तो सब लोग एकदम घबराहट में थे, सारी कंपनियां घबराहट में, सारे बिजनेस हाउसेस घबराहट में, सब कंपनियों की सेल कम। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि नवंबर की सेल अक्टूबर के मुकाबले ज्यादा थी, दिसंबर की सेल उससे ज्यादा। हमने सोचा कि टारगेट का मंत्र रहता है, छू लो आसमान वगैरह वगैरह कुछ टारगेट होते हैं, लेकिन जनवरी में क्या था, जनवरी का बिजनेस दिसंबर से काफी ज्यादा। और मैं अगर 10 फरवरी तक की बात करूं तो 10 जनवरी के मुकाबले कम से कम भी 30-40% ज्यादा बिजनेस 10 फरवरी तक। तो ये बात ही समझ में आ जानी चाहिए कि डायमंड क्लब, और अभी स्टार डायमंड क्लब आप लोगों ने ही मांगा और आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, मैं मतलब कह नहीं सकता कि ये आगे क्या होने वाला, मुझे सीन दिखाई दे रहा है। और आप लोग उन्होंने जिस तरह से इसको आरसीएम को उठाया है और जिस तरह से आप इसमें लगे हुए हैं, मतलब अभी दुनिया की कोई ताकत आरसीएम को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये इतना मजबूत है, मैं मुझे खुशी इस बात की है कि इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग, सशक्त तरीका हम पकड़ चुके हैं। आप देखो, आप इतने सालों में, पिछले 3-4 सालों में क्या आपको किसी ने ये बोला कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ? एक बंदा नहीं बोल सकता कि गलत हुआ। क्या आप इन दिनों जो पुराने लोग थे वापस आने की आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छा, इन दिनों कुछ जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े कारोबारी, बड़े नौकरी वाले, पैसे वाले, IAS अधिकारी, वो आप लोगों के साथ आना की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये जिस तरीके के प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज का सपोर्ट, हेल्थ गार्ड का सपोर्ट, हरित संजीवनी का सपोर्ट, और पता नहीं अभी, क्योंकि मैं एडवांस में घोषणा करना मेरी थोड़ा पसंद नहीं है, पर मैं एक बात बोलता हूं, 2017 में ये नहीं बोलूंगा कि क्या होने वाला है, पर 2017 में वो होएगा जिसकी उम्मीद आप न तो मेरे से कहलवाने की सोच रहे हैं और न आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। आप लोग बहुत सारे मुझे बार बार इशारा करते हैं कि कुछ घोषणा ऐसी कर देना, पर मैं घोषणा कर नहीं सकता क्योंकि मैंने नियम ले रखा है, जब तक कोई चीज परफेक्टली टेस्टेड और फिर उस पोजीशन में नहीं आ जाए तब तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना इशारा कर सकता हूं, 2017 में आरसीएम पूरी तरह से एकदम बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, और जो शायद आप अभी तक नहीं सोच पाएंगे उससे बड़ा। और बातें ज्यादा नहीं करेंगे, मैं सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, ये एनिवर्सरी हुई है और ये ताल कटोरा में पहले 2004 में शायद चौथी एनिवर्सरी हुई थी, और उस चौथी एनिवर्सरी के बाद उस साल का बिजनेस 2.25 गुना हुआ था, जितना था उसका 2.25 गुना, एकदम हाई जंप लगाया था। और मुझे आज वही सीन याद आ रहा है, वही मंजर, वही नजारे, वही बातें, वही सब कुछ। और उस समय तो इतना डेवलप भी नहीं था, इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे, और आज हर चीज हमारे पास बहुत मजबूत है। तो मन में सपना जग रहा, आपके भी जग रहा होगा, ये 2017 में ये ताल कटोरा की एनिवर्सरी वापस कुछ वही मंजर लाने वाली है। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, और आप लोगों के साथ के लिए बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।